हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट व्लॉग। जैसा कि आपने देख लिया कि मैं साउथ कोरिया मूव कर रहा हूँ और ये मेरा व्लॉग आ रहा है तकरीबन 4 से 5 महीने के बाद, और उसकी वजह यही थी कि मैंने साउथ कोरिया मूव करना था तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं शूट करूँ, एडिट करूँ और फिर अपलोड, तो वो लंबा सीन था। मेरी स्टोरी टेलिंग स्किल्स ज़रा कमज़ोर हो गई हैं, तो मैं दरमियान में आके आपको नरेट करता रहूँगा ताकि स्टोरी टेलिंग की ज़रा थोड़ी लाइन बनी रहे। तो इस ब्लॉग में बेसिकली मैं पाकिस्तान से साउथ कोरिया मूव होने की सारी जर्नी आपको दिखाऊंगा। वैसे तो फिलहाल मैं कोरिया हूँ, लेकिन लेट्स गो बैक टू पाकिस्तान। सर, सबसे पहला सीन ये है कि जब आपका वीज़ा लगना है तो आपने पासपोर्ट लेने आना है। हमारा पासपोर्ट मिल गया हमें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है फ्लाइट बुक करने का। मैंने 12 अगस्त की फ्लाइट बुक की है कतर की है, और बहुत महंगी मिली है। 27 को सस्ती मिल रही थी, लेकिन 27 लेट हो जाता है मेरे लिए क्योंकि मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 29 से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है शॉपिंग करने का, और उसके लिए हम आपको साथ लेके जाते हैं। यार, अभी हम सेंटर पहुँच गए, यहाँ पे लाइटिंग भी अच्छी है, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग कर लें, मतलब अभी ट्राई कर रहा हूँ। Trap get racks every day, she fuck with me now, I told her to lay my hook in the water, she liking my bae, ain't saving a hoe, I don't wear a cape, you beef with me, don't think you ever safe, I hop in the phone and drive like a race, you sipping the Henny, I don't need a chase, we dodging the shopping। आपने कुछ इस तरह से करने के, दो ड्रेस पेंट्स ले लें, कोई चार जीन्स ले लें, इसके बाद मतलब पेंट्स वाला सवाल पैदा नहीं होता। शलवार कमीज अगर आपने लेके आने तो लें, मैं लेके आया था साथ। वैसे शर्ट्स जो है ना, वो आपने ज़्यादा अमाउंट में लेके आनी है, क्योंकि यहाँ पे कपड़े ज़रा महंगे होंगे, मतलब कम प्राइसेस पे भी मिल जाते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप जब आए ना एटलीस्ट वहाँ से कपड़े साथ लेके आए, तो शर्ट्स एटलीस्ट 10 से 12 हो जाए तो गुड है सी। इसके बाद बारी आ गई थी पीसीआर टेस्ट की, तो वो पाकिस्तान से कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं G8 मरकज में आ गया हूँ, यहाँ से कोविड टेस्ट कराना है। अभी मेरी कुछ फोटोकॉपीज रह गई हैं, वो फोटोकॉपीज करानी है। यहाँ पे इन्होंने इतने ज़्यादा डायग्नोस्टिक सेंटर खोल के रखे हैं, फोटोकॉपी वाली दुकान नहीं मिली मुझे, आधा घंटा हो गया मुझे। यार, एक बेसमेंट में शॉप मिली है, वहाँ से हो गया, और अब हमने ख़रीदना है एक मास्क। ये मरकज के दूसरे कोने पे जा रहे हैं जहाँ से हमने PCR टेस्ट कराना है। आप भी जब PCR टेस्ट कराने आए तो 3 डॉक्यूमेंट्स लाजमी लेके आना है। एक तो आपने पासपोर्ट की कॉपी लेके आनी है, और एक CNIC की कॉपी लेके आनी है, और एक जो आपने टिकट बुक की है उसकी कॉपी लेके आनी है। यहाँ पे जाना हमने। IDC वाले कभी भी आपको ना अपनी सर्विस से डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। हम जा रहे हैं बाल कटवाने के लिए, और मतलब ये सारे नहीं कटवाने, बस ये जो पीछे गर्दन वाले हैं ना ये कटवाने हैं, और ये कल में थोड़ी ठीक करवानी है। तो यार ये देख लें, हमारी कटिंग हो गई है, मतलब इतनी सी थी बस। फिर जब आपकी सारी मसरूफी आता था मुझे, तो फिर बारी आती है दोस्तों से मिलने की। सारों से अलग अलग मिलना है, मेरा गला थोड़ा ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, तो नेवर माइंड। आप लोगों में दोस्त मेरे से काफ़ी मुख्तलिफ होंगे, इनको पता नहीं जाना कहाँ पे, और ये फिर आ गए हैं खड़े हैं। तुम बताओ ना। And we can ride the boogie, share that beat of love. I wanna ride the ऐसे ने आराम से खा यार, क्या हो गया? नहीं भी मालूम। मैं इधर आए हैं विंडो शॉपिंग करने के लिए। रुको एक सेकंड, ये क्या इतनी गंदी चीज़ भगवान है इसकी, तो नहीं कुछ ट्राई कर रही क्या? वो भी नहीं ट्राई कर रहा हूँ अंकल, कोई मेरे साइज़ की दिखाएं। यार, अभी हम इस F7 वाले क्वेटा में आए हैं, जहाँ पे लूप डिमांड आगे चीज पराठा का के जाता था। कल मेरा गला ज़्यादा ख़राब था, तो मैं इस वजह से बात नहीं कर सका, और आज हम G9 आए हैं। आज रात की मेरी फ़्लाइट है, और अभी हमने डॉलर्स एक्सचेंज कराने हैं और कुछ रिंग्स लेनी है। यहाँ तक हमारी दौड़ थी पाकिस्तान की, अब यहाँ से अगला सफर शुरू होने लगा। तो यार, हम आ गए एयरपोर्ट पे, जहाज उड़ने लगा।
आजा वापस भाई, कहाँ जाना है? रुको रुको ए पैसेंजर भाई, कहाँ जाना है? भाई हमने कोरिया तक जाना है। फ्रंट सीट बैक बैक फ्रंट सीट अंकल तो नान की में है ही नहीं, सही है ना? अभी दूसरा बैग किया है तेरा, वेरी हां इसके ऊपर रख। उफ कभी गए हो इंटरनेशनल? कभी गए हो? ये छोटे बंदे आगे किसको लेके आए हो तू यार? अब करो back in my head, I'm like, fuck that shit. I was busy in the lab making songs, making hits, trying to get money to cash out. Like, you lick your arm if you're looking for a handout. I've been on the move for a long time, fighting with the man on my shoulder. I was dealing with self-doubt. All my life, I've been the fucking underdog. Used to wonder how these niggas got it all. I was getting one play a day, now I got a couple thousand on my catalog. See through your niggas, no ultrasound. School of motherfuckers, you a class clown. You was talking shit, where you at now? Everybody play the tough guy till his man down. तो यार हमारी चेक इन वगैरह सारी कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी इमिग्रेशन, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा है कि आप यहाँ पे बैठे हैं, आपको अलग से मिलते हैं हम। तो अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, देखते हैं कब तक निकलते हैं। अभी मुश्किल से हमें टाइम मिला है, सारा सिक्योरिटी पास किया, उसके बाद सबसे पहले तो हमने इमिग्रेशन पास किया, उसके बाद इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी, अब सिक्योरिटी वगैरह पास करके हम आगे आ गए। यार यहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, तो काश मेरे साथ शोर ना करिए, मेरे साथ बैठ गए। और सीट भी यार अच्छी खासी कंफर्टेबल है, मतलब लेग स्पेस भी अच्छा है, और सामने स्क्रीन और साथ विंडो और साथ व्यू। और सुबह का टाइम, मुझे नींद आई हुई है, थका हूँ, लेकिन अब जाके दोहा एयरपोर्ट पर जाके सोएंगे। काफ़ी लंबी स्ट्रगल काटी थी ये कोरिया के सफ़र के लिए, और उस स्ट्रगल के शार्ट से मेरा मूड यही था कि मैं कतर एयरलाइंस से मतलब सफ़र करूं। वो नंबर वन पे जा रहे हैं ना, तो उसकी कोई वजह है, वो आप सफ़र करेंगे आपको तब वो वजह पता चलेगी। और मतलब बहुत मज़े का खाना था, बहुत मज़े की उनकी सर्विस है, और कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो वो उस वक्त आपको फैसिलिटेट करते हैं। बाकी कतर इस्लामाबाद से 2 घंटे शायद पीछे, तो हम मतलब जैसे हमारा जहाज़ जा रहा था ना, पीछे 3 चढ़ रहा था और हम आगे रात वाली साइड में जा रहे थे। मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको, फिर समझ लगेगी। एयरप्लेन में फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका और मैं सोने लगूँ। आमीन आमीन। अच्छा यार सीन ये हुआ था कि जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ ना एयरपोर्ट पे, तो मुझे नींद आई हुई थी, क्योंकि मुझे 24 घंटे हो गए थे जागते। तो मैं गया हूँ पहले क्वाइट रूम में, सोया हूँ, थोड़ा बहुत जलालत थी, मतलब बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ना, तो ये था। सो के उठा हूँ और फिर रात में धोया, घर वालों से बात की है, और अब ये है कि मैं थोड़ा सा एयरपोर्ट घूम रहा हूँ, क्योंकि हमारा 19 घंटे का स्टे था, और जिसमें से हमारे 5-6 घंटे गुजर गए, और बाकी घंटे अब हम घूम के गुजारेंगे, और आपको भी ज़रा एयरपोर्ट का टूर कराते हैं, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। अभी हम जा रहे हैं ड्यूटी फ्री की तरफ, देखेंगे वहाँ से कुछ पकड़ेंगे खाने पीने के लिए। तो बॉस ये व्लॉग तो वैसे ही 10 मिनट में पहुंच जाने लगा है, तो मेरा मूड है कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे काउंटडाउन वगैरह लगाया, तो जिसने व्लॉग अभी देख लिया तो फिर वो कल का वेट कर ले, और बाकी जो लोग बाद में देख रहे हैं व्लॉग, मतलब 1 महीने बाद, साल बाद, 6 महीने बाद, तो आप भी यार अगला व्लॉग देख लेना, उसके अंदर मैं आपको कतर एयरपोर्ट दिखा दूंगा।
तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। असल में मेरी स्टोरी टेलिंग थोड़ी कमजोर हो गई है, तो उसके लिए माजरा, अगर आपको कहीं से व्लॉग अच्छा नहीं लगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।